Once again, I welcome you student here in this Sachidananda Learning Channel. It is the fourth chapter, English Prose Class 12 ka, The Rat Trap. तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ये पार्ट फाइव है. इसके पहले पार्ट फोर तक हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के यहाँ फोर फाइव तक कंप्लीट करवाए हैं. अब इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स चेक करेंगे. देखें, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं पी बोर्ड एग्जामिनेशन में, अतः आपके पास अभी टाइम काफ़ी है. आराम से पढ़ें, अस्थाई पढ़ें, अच्छे से पढ़ें. क्वेश्चन नंबर सिक्स आइए चेक करते हैं. व्हाट हैपेंड विथ द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस. हाउ वाज ही ट्रीटेड बाई द एडला विलियमसन. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अजनबी के साथ लौह व्यापारी के घर पर क्या हुआ था. आयरन मास्टर जो था उसके हाउस पर उस स्ट्रेंजर के साथ, पेडलर के साथ हुआ क्या आखिर. हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द एडला विलियमसन. तो वह किस प्रकार से एडला विलियमसन के द्वारा व्यवहारित किया गया, बर्ताव किया गया, उसको आइए चेक करते हैं. तो जब वह स्ट्रेंजर अजनबी अर्थात फेरी वाला घुमक्कड़ जब वहाँ पर आयरन मास्टर के घर उनकी जो डॉटर थी ले गई, तो वहाँ पर क्या उसके साथ हुआ, क्या वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, ये चेक करें. द स्ट्रेंजर वाज बाथ्ड बाय द वॉयलेट एट द आयरन मास्टर्स हाउस. तो वहाँ पर जो आयरन मास्टर के घर के जो नौकर थे उन्होंने उस स्ट्रेंजर को, अजनबी को स्नान कराया. वहाँ पर द वॉयलेट कट हिज हेयर, उसके बाल को काटा, एंड सेव्ड हिम, और उसके दाढ़ी को काटा. देन द स्ट्रेंजर चेंज्ड हिज क्लोथ्स देयर, इसके बाद अपने वस्त्र को बदला वह जो स्ट्रेंजर है वहाँ उनके घर. द स्ट्रेंजर वॉज नॉट सो वेल ग्रूम्ड बट द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. तो द स्ट्रेंजर वॉज नॉट सो वेल ग्रूम्ड, अर्थात जो अजनबी था वहाँ पर अब अच्छे से सज धज गया था. बट द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं था. सच अच्छा दिख रहा था फिर भी खुश नहीं था जो लौह व्यापारी था. व्हेन द आयरन मास्टर सा द स्ट्रेंजर इन द लाइट ऑफ द डे, और जब प्रातः हुई तो उस समय प्रकाश में, दिन के प्रकाश में अजनबी पर निगाहें पड़ी उस लौह व्यापारी का, देखा एट ही जो अपने घर पर. देन ही फेल्ट मिस्टेक, तब वह अपनी गलती का एहसास किया. टू अंडरस्टैंड हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो उसके अपना पुराना परिचित समझ रखा था उस गलती को एहसास करता हुआ यहाँ पर जो लौह व्यापारी है. द आयरन मास्टर सेड द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर से बोला जो लौह व्यापारी था, वी शुड लेट द शेरीफ एलोन इन क्रिसमस ईव, अर्थात इस क्रिसमस पर्व पर, इसके संध्याकालीन बेला में, यानी कि क्रिसमस के इस इवनिंग के समय, यह जो है इसको छोड़ दिया जाना चाहिए इस अधिकारी को, यानी इसको लेट कर देना चाहिए. ऐसे शेरीफ ने अधिकारी को, इस चूँकि क्रिसमस का त्यौहार है अतः इसको हम छोड़ देते हैं, बट नाउ यू गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. तो आयरन मास्टर उसे वहाँ पर बोल पड़ा, मैं तो तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम भाग जाओ. बट द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विलियमसन डिड नॉट लेट हिम गो, लेकिन उनकी जो पुत्री थी एडला वो उसे नहीं जाने दी. सी सेड हैड इंटरसेटेड फॉर द वैगाबॉन्ड. तो वह जो एडला थी अपने पिताजी से दया की भीख मांगती हैं, इंटरसीटेड मांगी हैं उस घुमक्कड़ से. सी टोल्ड दैट द स्ट्रेंजर पास अ डे ऑफ पीस विथ अस, और वह बोली कि जो स्ट्रेंजर है वह हमारे साथ एक दिन अपना शांति से समय गुजारे. देन एडला ब्राट क्रिसमस फूड फॉर द स्ट्रेंजर, अजनबी के लिए वो क्रिसमस पर्व की भोजन लाई, एंड गिव हिम, और उसके दे दी. एडला गिव हिम पोरिज एंड फिशेस, तो उसको दलिया और मछलियाँ का भी सेवन कराया गया एडला के द्वारा. सो थैंक यू फ्रेंड.